ओके सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सेलेक्ट। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं स्पेशल ट्रेन में तत्काल टिकट का कोटा होता है या फिर नहीं होता है, यदि होता है तो कैसे बुक करेंगे। चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए सर्च किया हूँ। इसके बाद कोटा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे तत्काल कोटा सेलेक्ट करते हैं। तो आज की डेट की बात किया जाए तो आज 3 तारीख है, तो मैं 4 मई सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं। स्पेशल ट्रेन में तत्काल कोटा होता है या नहीं होता है, ज़्यादातर तो यहाँ पे जितने भी ट्रेन चल रहे हैं सारे के सारे आपको लास्ट में देख सकते हैं। जैसे बिहार संपन्न क्रांति स्पेशल ही दिखा रहा है, लेकिन इसमें आपको तत्काल कोटा देखने को मिल जाता है, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन नहीं है क्योंकि सिर्फ इसका नाम चेंज किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी यही ट्रेन चल भी रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे की तरफ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक ट्रेन है नई दिल्ली सहरसा स्पेशल, जो फिलहाल में स्पेशल चलाया गया है कोरोना महामारी के कारण। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे तत्काल कोटा में सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट अवेलेबल दिखा रहा है थर्ड एसी और स्लीपर में। आखिर में स्पेशल ट्रेन जो चल रहा है इसमें तत्काल कोटा क्यों नहीं होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। यदि आप नॉर्मल में भी ये टिकट बुक करेंगे तो 655 रुपये में स्लीपर टिकट बुक होगा और थर्ड एसी के बाद किया जाता है 1740 रुपये में। अगर नॉर्मल आपको मैं बात किया जाए, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि वैशाली स्पेशल ट्रेन में अगर टिकट बुक करेंगे तो आप देखते हैं तत्काल में टिकट बुक करेंगे तो भी आपको 685 रुपये मिलेगा, यानी कि 700 रुपये का यहाँ पे तत्काल में टिकट बुक करेंगे तो बुक होगा और यहाँ पे स्पेशल में 655 रुपये का टिकट बुक होगा मुजफ्फरपुर तक का। क्योंकि ये जो स्पेशल ट्रेन जो है ये तत्काल कोटा नहीं होता है, क्योंकि आपको जब तक ओपनिंग जैसे इसका बुकिंग खुलता है तो आपको तत्काल का ही चार्ज लेता है जब बुकिंग करते हैं तो नॉर्मल में भी, तो इसलिए इसमें तत्काल टिकट का कोटा नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली दरभंगा स्पेशल है, इसके बाद अवध असम स्पेशल है, ऐसे तो ये तो अवध असम स्पेशल नहीं है, लेकिन 2 ट्रेन इसमें मुजफ्फरपुर में फिलहाल में स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। फर्स्ट में बात किया जाए तो आपको ये देखने को मिल जाएगा दिल्ली दरभंगा स्पेशल, और इसके बाद थर्ड में सेकेंड में आपको सहरसा स्पेशल है, और थर्ड सहरसा स्पेशल के इसके बाद दरभंगा सुपरफास्ट स्पेशल, ये 3 ट्रेन फिलहाल में चलाया जा रहा है। इसीलिए मेन रीज़न है जो स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है क्योंकि उसका किराया काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें तत्काल टिकट का कोटा नहीं होता है। नहीं तो ये तत्काल टिकट का कोटा होगा तो स्लीपर स्लीपर क्लास का जो है यहाँ पर 1000-1000 रुपये हो जाएंगे। तो शायद आपको समझ में आ गए होंगे, जितने भी स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं उसमें तत्काल कोटा नहीं होता है। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।